नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, यहां पर MIUI के सेटिंग एप्लीकेशन का आ चुका है एक न्यू अपडेट, जिसका कि दोस्तों आप यहां पर वर्जन देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है 2.8.7.1। तो दोस्तों, इसको अगर आप अपने फ़ोन में चेक करोगे तो आपको बहुत ही कोई पुराना वर्जन देखने को मिलेगा। तो चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको रिसेंट में जाना है, उसके बाद आपको मैनेज ऐप्स में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है सेटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों सेटिंग लिखेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे वाला जो सेटिंग है इसको क्लिक करना है, ऊपर वाला क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो इस पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। और दोस्तों मान लीजिए अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है इस न्यू अपडेट में, तो आप यहाँ से अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करके ओके करके इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो आप पुराने वाले वर्जन में वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इस सेटिंग के MIUI के सेटिंग के इस न्यू अपडेट में आपको क्या कुछ नया फीचर देखने को मिल जाता है, क्या क्या बग फिक्सेस देखने को मिल जाता है और साथ साथ क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, तो सारा और इसे किस तरह से इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सारा चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर जरूर देखते रहिए। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करके रख लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सेटिंग का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक कर लेना है और वहाँ से उस सेटिंग को डाउनलोड कर लेना है। और हो सकता है दोस्तों डिस्क्रिप्शन का लिंक वर्क ना करे, क्योंकि बहुत बार वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल में अपना यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही दोस्तों मैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस सेटिंग को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपली जिस तरह से इंस्टॉल करते हैं उस तरह से आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको कुछ भी फ़र्क समझ में नहीं आएगा, सेटिंग में कुछ भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक APK डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जिसका कि दोस्तों नाम है यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर, ठीक है। तो एक्टिविटी लॉन्चर दोस्तों ये वाला है, ये दोस्तों ज़्यादा फाइल इसका साइज़ नहीं है, 400-500 KB के आसपास आपको मिलेगा, मतलब 1 MB से भी कम साइज़ है। और ये दोस्तों बेसिकली करता क्या है कि जितने भी हिडन फीचर्स होता है किसी भी एप्लीकेशन का, उसको खोज कर ये बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो आपको इस सेटिंग में बहुत सारा फीचर मिलेगा, मगर दोस्तों वो सभी हाइड रहता है, ठीक है, आपको शो नहीं होने वाला, सारा आपको MIUI 12 में मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले ओपन करने के बाद यहाँ पर सेटिंग को खोज लेना है। तो दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाओगे अगर, तो आप एस में यहाँ पर सर्च मारोगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 सेटिंग मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ये वाला सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे जितना भी इसका फीचर है सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर में यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने को दोस्तों मिलता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर कलर एंड कॉन्ट्रास्ट जो MIUI 12 में इस टाइप का आपको मिलने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे आप अभी यहीं से अभी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये अभी उतना वर्क नहीं करेगा, उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको यहाँ पर MIUI 11 का जो कलर और कॉन्ट्रास्ट वाला सेटिंग मिलता है वो आपका अवेलेबल है, इसलिए वो वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूज़ अभी आप नहीं कर पाओगे, मगर ये आपका MIUI 12 में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एंटी फ्लिकर मोड देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर पहले से अवेलेबल था, पिछले अपडेट में ही था, मगर इस अपडेट में भी देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ बग्स था जो कि फिक्स हो गया, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता होगा कि डिवाइस आपका फ्लिकर करता है, मतलब अगर आप अगर रात में यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लिकर करता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो एंटी फ्लिकर मोड को ऑन कर देंगे तो आपको ये टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको इस अब दोस्तों अगर फीचर को आप बाहर करना चाहते हैं तो इस तरह लॉन्ग प्रेस करके आप यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर दोगे तो ये बाहर में शॉर्टकट बन जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लाइट मोड देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों इसमें आइकॉन काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे, और ये बुज़ुर्गों के लिए है, मतलब हमारे लिए नहीं है, तो आप इसे इनेबल मत ही कीजिए तो भी बेटर है। और दोस्तों यहाँ पर रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है, जो कि दोस्तों हमारे डिवाइस में वर्क नहीं करेगा, सिर्फ मतलब हायर रिफ्रेश रेट वाला जो डिवाइस है उसमें वर्क करेगा। और बाकी दोस्तों यहाँ पर फीचर्स का देखें तो यहाँ पर आपको एक डिजिटल वेल्बिंग जो है सोमी का, जिसका कि नाम है स्क्रीन टाइम, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर फोकस मोड देखने को मिलता है, जिसमें कि आप इनेबल कर दोगे तो आपका डिवाइस में और कुछ भी वर्क नहीं करेगा, सिर्फ आपका मतलब इस तरह आपका देखने को मिलेगा और कुछ भी वर्क नहीं करेगा। आप मतलब जितने भी टाइम सेट करोगे यहाँ पर उसमें उस टाइम के अंदर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों ये हालांकि जितने भी फीचर्स इसमें है सारा फीचर दोस्तों पहले से ही अवेलेबल था,
पिछले अपडेट में ही अवेलेबल था, ठीक है। अगर आपने एक भी बार अपडेट नहीं किया है तो आपको सारा फीचर नया लगने वाला है, ठीक है। और अगर आपने अपडेट कर चुके हैं पहले भी सेटिंग को, मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं शुरू से और मेरा वीडियो देखकर आप पहले सेटिंग को अपडेट किए हैं पिछला अपडेट, तो दोस्तों आपको सारा फीचर आपको सेम ही लगने वाला है। बस हल्के बुल्के कुछ कुछ बग्स था जो कि दोस्तों फिक्स हुआ इस अपडेट में, अब आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए। और दोस्तों आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं अगर बात करना चाहते हैं तो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।